हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। सो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। आपके पर्सन के बारे में सोच लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव परफेक्शन। टू मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स में सबसे पहले जो चीज़ मुझे पिक हुई है वो ये कि इनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैंने लाइफ में हर काम किया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। इतनी मेहनत के बाद भी क्या मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो पाई है? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहती थी या पाना चाहता था? अगर हाँ, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ? मेरी लाइफ में इतना सब होते हुए भी मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने एक ज़िद में बहुत कुछ खो दिया, और ये जो खो चुके हैं उसमें आप भी हैं। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है अपनी किसी ज़िद के कारण, और अब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। कई बार इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है बट इन्होंने आपके टाइम की वैल्यू नहीं की है, आपको समय नहीं दिया, और अब जब आप इनसे दूर हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, अगर आपका एटीट्यूड अब ऐसा हो गया है कि आएँ तो आएँ वरना मत आएँ, इनकी मर्ज़ी, तो ऐसी सिचुएशन में अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत प्रिशियस लाइफ में एक शख्स को खो दिया है। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पर गलतियाँ मैंने की हैं और मुझे कैसे उन गलतियों को पर वर्कआउट करना है, उसे सुधारने का क्या रास्ता बन सकता है, कैसे हम इस रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं। अपनी इंस्टिंक्ट की, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि लाइफ में तुमने सब कुछ पा लिया लेकिन जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस था तुमने उसे खो दिया है, और वो ऐसी वस्तु भी नहीं है कि तुम पैसे से ख़रीद लो। किसी के रिस्पेक्ट, किसी का प्यार, किसी का अनकंडीशनल लव अगर आपने एक बार ठुकरा दिया तो सामने वाला भी फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। फिर उसे लगता है कि आखिर मैं क्यों इससे इतना प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ जब इसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में, इसे आप रोमांटिक फीलिंग में तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बहुत डीप जो थॉट्स हैं वो इनके यहाँ पर निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, लेकिन इन्हें ये डर ज़रूर है कि क्या इस रिश्ते को ये सुधार पाएंगी या सुधार पाएंगे, जो भी गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया है क्या उसको करेक्ट कर पाएंगे, और क्या आप इन्हें माफ़ कर दोगे। ये सब इनके थॉट प्रोसेस में लगातार चल रहा है। इस रिश्ते में कुछ स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की सोच रहे हैं जिससे आप दोनों यूनियन में आ सके। लेट्स चेक कि इमीडिएटली ऐसा कौन सा स्टेप आपके पर्सन ले सकते हैं या ले सकती हैं जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। क्या स्टेप लिया जा सकता है? फ़िलहाल तो ये ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
मोस्ट प्रॉब्ली पैशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी कोई सॉलिड स्टेप तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, 24 घंटे आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो बातचीत काफ़ी लोगों की हो सकती है, यस यूनियन की विश है इनकी, ये अब और दूरी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आपकी तरफ कोई जेस्चर इनकी तरफ से हो सकता है और बैलेंस क्रिएट करने की वाइब्स है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों के यूनियन भी होंगे, कुछ लोगों का जो यूनियन है ये 24 से 80 आवर्स के अंदर हो सकता है। इनकी खुद की विश है आपके साथ यूनियन में आने की। कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से अभी इस वक्त गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, जिसके कारण आपसे दूरी बनाई हुई है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंस के साथ आया है, आपको अभी सब्र रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाले समय में एनर्जी आपके फेवर में है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, और हो सके तो अपने पार्टनर के लिए आप स्पेल या अपने पार्टनर के लिए आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज क्या हैं आपके लिए? अपने पर्सन को रियलाइज़ होने दीजिए, वो जो भी रियलाइज़ करना चाह रहे हैं या इस टाइम पे जो भी उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। पहला है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। बहुत सारे लोगों के लिए इस धरती पर ही स्वर्ग, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप खुश हों, जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको खुश रखें, जब आपकी लाइफ में ऐसा लगे आपको कि यार मुझे तो स्वर्ग मिल गया। तो ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस धरती पर ही आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग आने वाली है। देखिए, जब अच्छा लाइफ पार्टनर साथ होता है तो आपको धरती पर ही स्वर्ग की फीलिंग आती है, आपको अलग से स्वर्ग की ज़रूरत ही नहीं है। लोग धरती छोड़कर जाना नहीं चाहते जब वो खुश होते हैं तो, और वहीं जब इंसान दुखी होता है तो वो हमेशा यही मैनिफेस्ट करता है, अरे मेरे को इस धरती पर रहना ही नहीं है। ठीक है, तो धरती पर स्वर्ग क्रिएट होने वाला है आप सबके लिए। यहाँ पर आप जिस भी जर्नी में हैं, एक सॉलिड चेंज आने वाले टाइम में, एक बड़ा चेंज आपको एनर्जीज में दिखेगा, और ये जो चेंज है ये बहुत जल्द आपको आप नोटिस कर पाएंगे। स्पेशली अगर आप स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो ये एनर्जी बहुत जल्दी आपसे रेजोनेट कर सकती है, जो मैंने बताई है। आपके पर्सन जो कुछ भी फील कर पा रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्दी ये आप तक पहुंचा सकती हैं या पहुंचा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से एक ही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको कोई भी हैप्पीनेस रिसीव नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे नहीं करना है, मुझे चेंज करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो। ये एंजल्स का गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वर्कहोलिक एनर्जी में है। थोड़ा सा सब्र करो और थोड़ा सा हो सके तो ब्रेक लो, कहीं घूमो या मेडिटेशन करो या छुट्टी पे जाओ या घर में सो, बट इन्जॉय करो, जो आपको पसंद है वो करो। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में कल मॉर्निंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।